टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। मुसलमान समुदाय का पाक महीना माहे रमजान आज से शुरू हो चुका है। माहे रमजान का बधाई देते हुए पहले दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज जिला कार्यालय स्थित मोहल्ला के गरीब एवं असहाय अल्पसंख्यकों के लिए राहत वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला मंत्री का अवधेश राय ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने हर स्तर के इकाई से आह्वान करता है कि लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए रमजान जैसे पवित्र त्योहार के अवसर पर असहाय अल्पसंख्यक भाई के मदद के लिए आगे आए। जिला सचिव मंडल सचिव अनिल कुमार अंजान ने कहा कि राहत सामग्री वितरण के पीछे हमारा उद्देश्य आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है। दुर्भाग्यवश सत्ता के सौदागर गोदी मीडिया के माध्यम से कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के नाम पर भी हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं। उनकी मंशा जातीय छुआछूत को बढ़ावा देना है, इसीलिए वो जहां शारीरिक दूरी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था, वहां वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रमज़ान के पहले दिन यहाँ पर कुछ खाद्य सामग्री वितरण किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अभी माहे रमज़ान की आज शुरुआत है। सबसे पहले तो हम तमाम रोजा पंथी जितने भी हैं उनको हम बधाई देते हैं और हम लोग पूरे जिला में इस संदेश को पहुँचाना चाहते हैं अपने कार्यकर्ता समाज सेवी तमाम ऐसे लोगों को कि आज के दिन यह संकल्प लीजिए कि रोज़ा में वो गरीब लोग जो लॉकडाउन से परेशान हैं, तालाबंदी के शिकार हैं, भूखमरी से जूझ रहे हैं, उनको रोज़ा करने में कठिनाई अगर हो रही है तो आपकी सहायता उनको मिलनी चाहिए। और इसलिए हम अपनी सभी इकाई को इस बात के निर्देश दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे ज़िला में जो सांप्रदायिक सद्भावना बनाने की लड़ाई सब दिन कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती रही है, आज की तारीख में जो इस सद्भावना को कोरोना को भी सांप्रदायिक रंग देने का जो प्रयास हो रहा है, इसके खिलाफ एक माहौल पैदा करने में सामाजिक कार्यकर्ता और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता लगेंगे और सभी ऐसे रोजा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को सहायता प्रदान करके उनको मदद करेंगे और रोजा कार्यक्रम उनका सफल हो, रमजान उनका शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से इस विपरीत हालत में भी कर सकें, यही संदेश हम देना चाहते हैं। एक मिनट और, कोरोना पॉजिटिव जहां जहां निकला उन जगहों पर जिला प्रशासन के द्वारा सील किया गया, उस सील जगहों पर खाने पीने रोज़ा का सामान के लिए कुछ तरह किसी भी तरह का मुहैया नहीं हो पाएगा, इस पर आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मैंने कल ही ये अपील किया है और फिर आज अपील करेंगे कि वैसे इलाके में जहां पूर्ण लॉकडाउन है, तालाबंदी किया गया है, नाकेबंदी किया गया है, उस क्षेत्र में प्रशासन अपनी ओर से व्यवस्था करे और तमाम घर में जो पीड़ित लोग हैं उनके घर घर राहत पहुंचाने का काम करें, ताकि उनका रोज़ा जैसे पवित्र पर्व में कोई डिस्टर्बेंस कोई व्यवधान पैदा नहीं हो। और जिला प्रशासन ने मुझको आश्वासन दिया है कि हम इस काम को करेंगे।